हेलो जी, सत श्री अकाल जी। मैं अमनदीप कौर पंजाबी कुकिंग एंड पंजाबी कल्चर की थोड़ा स्वागत करती हाँ। मैं सिर धो लिया तो टाइम हो रहे ने 11:15 हो गए। टाइम हो गए जी 11:15। पहला मैं सवेरे ऊधम छड गई स्कूल। ऊधम ने अज अपने आप उठ के कहता मम्मा मैनू नवा दो भी मैं स्कूल जाना है। मैं क्या मैं तो कपड़े पाने लगी सी मैं इदा ही उठ के आ गया। कहना नहीं मम्मा मैं तो नहाना है भी मैं स्कूल जाना है। मैं क्या चलो पुत्र तुम फ्रैश हो जाओ फिर मैं तुम तैयार कर दिनी है। बस नाल दी नाल नहा के सिर भी बहा लिया कपड़े भी पवा ले। उस तो बाद मैं बनाई फिर सब्जी। सब्जी बनाई सी मैं चिट्टे छोलियां दी। तो फिर कहना मम्मा हुण मैं स्कूल भी छड्डियो मैं लेट हो जूँगा। पता नहीं की गल है 2-4 दिनों तो मतलब उन्होंने इन्ना हो गया स्कूल का। पहला तो वैसे बड़ी जिद भी करता सीगा। बस फिर उदों नूं स्कूल छड्ड के आई। मैं स्कूल छड्ड के आंदी आंदी सब्जियां लेके आई मंडी विच्चों। गोभी वगैरह है ना आलू भी अपने खत्म होए हुए सीगे। गोभी ले आई होर शिमला मिर्च जिहड़ी सब्जियां लियाणियां सीगियां। मैं सोचे चलो आपां मिस्त्रियां नूं पकौड़े बना के खवावांगे। गोभी भी लियांदी आलू भी लियांदे शिमला मिर्च भी लियांदी। उस तो पहला फ्रेंड जे तुसीं मेरे चैनल ते नवें तां प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो। तो जे तुहानूं मेरी वीडियो पसंद आती है तां प्लीज़ मैनूं लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्सिया करो जी। तो वीडियो नूं देखिया करो जी एंड तक ते नाले अगे शेयर कर दिया करो। ते बाकी हुण फिर मैं राजपुरे चली हाँ। राजपुरे की काम है वह थोनों बाद दसूँगी। दुबारे फिर राजपुरे जाना पै गया। पहला आ गए है ना रोटी खाधी सवेरे कुछ नहीं खाधा सीगा अं चली गई सी आटा उटा गुंथिया सीगा उदों वास्ते रोटी बना ले गई सी मैं। तो बाकी रोटी बनाई मम्मी ने ते आके फिर रोटी खा ली अपने मम्मी ने भी खा ली। तो हुण मैं सिर धोया थोड़ी देर पहला। पापा जी तैयार होए हुए ने पापा जी की फोटोआं खिंचियां। तो हूँ फिर चलें राजपुरे। राजपुरे द्वारे क्यों जाना पै गया वह मैं थोड़ा फिर दस दी हाँ। तो इधर अपने मिस्त्री ने नवा नक्शा भी पास करते थोड़ा वह भी दिखा दिनी हाँ। आ देखो इधर इधर ना अपने इतने पौड़ी बनानी है। अंकल वो कर लगे हुए भन्न इतने पौड़ी इदा करके फिर ए करके फिर ए करके फिर सीधी ए कर जूगी उपर उतने पौड़ी चढ़ानी है। तो सरदार जी ला रहे ने इधर अपना मशीन ला रहे ने झीरी मारनी इतने ऐसा नहीं बहुत टाइम लग जूगा झीरी मारन। तो बाकी मिस्त्री लगे हुए ने पिछे अपना वो खड्डा जहा बना रहे हैं वो चिनाई कर रहे हैं। पापा जी पता नहीं कितने है। चलो ना मैं पापा जी ने देख दी हाँ। और देखो हूँ मैं थोड़ा दिखाई सरदार जी झीरी मारन गए। सरदार जी तो बस घरों काम तो लाए हुए पहले खेतों से भेजे थे उदम मैं ही छड़ के आनी मैं ही लेके आनी हूँ। मुंह पर कपड़ा ले लो इधर अंकल भी लगे हैं इधर सरदार भी लगे। जी इधर वाली पौड़ी है ये वाली है ये अपने चक देनी है। पहले तो साड़ी होर सलाह थी जो भी है ना कम नेड़े नेड़े आ जाता ना फिर सलाह बदली जाती है। कद कोई सलाह बदल दी कद कोई सलाह बदल दी है। पहले भी इदा अपने अंदर स्टोर बनाना चाहिए हम स्टोर अंदर नहीं बनाना है स्टोर देख जाऊँ कितने रखेंगे स्टोर रखना। तो यह वाली पौड़ी जी चक देनी अपने ये सारी चक देनी। पापा जी चलिए चलिए चलो पापा जी आ गए हम मैं तो पापा जी चलिए राजपुरे। बाकी थोड़ी फिर राजपुरे जाके मिलेंगे। पहला पापा जी फोटो खींची अंकल आ रख दो बन के थैला डिग्गी में रख दो। हाँ कहानी भी कढ़ा के लेने फिर सू पकौड़े खिलाऊंगे। बस पकौड़े तैयार आ रहे हैं अज ना अपने अंकल उन्होंने पकौड़े खिलाने। मैं डिग्गी खोल लिया गड्डी भी उधम की छुट्टी लग गई हूँ लेट। उधम की छुट्टी होया करूगी हूँ 3 बजे। 3 बजे तक इन्ने पर राजपुरे के होर काम नबेड़ लें क्योंकि पापा जी ने कई काम ने राजपुरे। चलो जी सरों तो अपने रखवा ली। तो मैं पर्स चक लिया मैं पैसे चक लिया मैं फिर चलते हैं पर राजपुरे। लो जी अपने गड्डी स्टार्ट कर ली काम कार अपने चल रहे ने घर। सरदार जी घर के काम करते हैं मैं बाहर के काम करके आनी जिन्हें भी होंगे
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਟੋਆਂ ਫੂਟਾਂ ਵੀ ਖਿਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੜਾਂਗੇ। 11:20 ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਗਿੱਲੇ ਨੇ, ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਚਲੀਏ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਤਾਂ ਕਢਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਢਾ ਦੂੰਗੀ। ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੂਰ ਕੈਫੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਕਢਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਹੁਣ। ਲਓ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਤਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਢਾਉਣ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ। ਬਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਟੇਢੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਨੂੰ 3 ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 11:30-12 ਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ 2:30-3 ਹੋ ਗਏ। ਉਦਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਘਰੇ ਕਾਰਡ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦਮ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜੂੰਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਣ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਚਕ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਗੱਚਕ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਗੱਚਕ ਤਾਂ 2 ਚੱਕੇ ਖਾ ਕੇ 3 ਖਾਈ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਚੱਕੀ ਖਾਈ ਪਰ 2 ਖਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਦਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਕੌੜੇ। ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਸਣ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੱਚਕ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਗੱਚਕ ਖਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁੜ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਗੱਚਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ ਲੱਗਦੀ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਨ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਉਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਘਰੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫੋਨ ਕੈਮਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦਮ ਦਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਉਦਮ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਲਿਆਏ ਉਦਮ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਚਕ ਲਓ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਲਿਆਏ ਉਦਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਲੋ ਜੀ ਉਦਮ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਚਕ।
पापा जी लिया उधम हूं चलते घर न अपने कहानी सी जी वह भी कटवा ली भुख बड़ी लगी हुई है अपने गचक खा ली है उदमी पर फिर तुम करना डब्बा खान पान बचा वा हूं जो लोड हो रोटी बची भी हुआ लोड नहीं होंगी अज लोड आने रोटी खाए पापा जी कह रहे उदम के टिफिन कहते कुछ होना खान उदम पूछ रहे उदम कहना तो कुछ भी नहीं बचे वा अज पापा ही चिट्टे छोले अज रोटी कित बच गया जी देखे चल जी फाटक खुले हो फाटक लो जी इथे पहुंच गए कितने आए पापा जी तमोली है तमोली आए फाटक को पहुंच गए अपा पर फाटक है बंद इस करके अपा हजे रुकना पैना है ये नहीं पता भी हजे कदों तक ट्रेन आऊगी तो उदों लगी हुई है मेरे न भुख गचक खाण तो लग्या हो जट आ गया बजे का चौक आ गई ट्रेन आ गई गड्डी का स्टार्ट है लो जी ट्रेन आ गई बाकी देखते हैं हम फाटक खोलन गए जो एक होर ट्रेन आऊगी ट्रैक्टर भी स्टार्ट हो गया हजे तो होरन जो वज रहे हैं पता है नहीं किधरों आ रही है ट्रेन दी कूक जी सुनी थी कूक जी साइड पे आवा वो उधर से आएगी आ गई ओ आ गई इधर आ रही है पीछे से आ रही है कई बार उधर से आ रही है कई बार पीछे से आ रही है ए वाले जेड़ा सीगे ना फाट के पहला ना नीवे सीगे हुन ना ये बहुत ज्यादा ऊंचे करते लो जी भारतीय रेल ट्रेन आ गई ये तो बड़ी भी है दो कलर गए मध्य बात निकले थे पता क्या टीयर है मरे टीयर मुकोगी स्टार्ट कर ले नहीं मुकी कोई नहीं गड्डी का स्टार्ट है अपनी लो जी हुन खुलेंगे फाटक पर हुन फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद हुन फाटक खुल के अगे जाके लो जी अपा पहुंच गए घरे उदम के पापा जी का छाल मार के लाऊंगी भी गड्डी चो मैं ही रह गई गड्डी च लो जी उधर चढ़ रही है अपने पौड़ी आ देखा चक के समान आ भी गया बाहर नू ट्रैक्टर ट्रालियां लेके अपनी अपनी रोटी नहीं खानी रोटी क्या लोड़ा ज्यादा इन्हें कुछ खाया है जिथे मर्जी गल है लो जी उधर चढ़नी अपने पौड़ी जेडी अंकल कोई निकलेगी साफ इधर ला लूंगे बाकी भन दो अच्छा फिर नहीं लगती हम देखेंगे सीधा ही करा देंगे सारे आली पौड़ी अपने चक देनी है कोई नहीं।
ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। लो जी पौड़ी अपने बन रही है ते आ देखो उदम इधर खेडन लग गया। ड्रेस नहीं चेंज करी हैगी, खेडन दी लग गई इन। चलो जी आप अज की वीडियो का करते हैं इतनी एंड। सो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं थोड़ी मेरी अज की वीडियो पसंद आई होगी। जे थोड़ी मेरी अज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मैं लाइक तो कमेंट करके जरूर दस्यो जी। तो जे तुम मेरे चैनल पर नवे तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो। चलो जी अपन नैक्सट ब्लॉग लैके फिर मिलेंगे जी। तद तक लिए बाय बाय, सत श्री अकाल जी। तो नैक्सट वाला ब्लॉग तुम जरूर देखना है।